हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एस सी एल टेक बी प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका मतलब होता है बिजनेस सर्विस मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जो एस सी एल टेक्नोलॉजीज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो तकनीकी शिक्षा के करियर में भारत में एस सी एल टेक्नोलॉजी के द्वारा छात्र छात्राओं को एक अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वे एस सी एल कंपनी में काम करते हुए अपना अध्ययन भी जारी रख सकते हैं और इस डिग्री कोर्स के माध्यम से वो तकनीकी शिक्षा में अपने करियर को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लें कि इस प्रोग्राम में एंटर करने के लिए ज़रूरत क्या होती है। तो इसकी पहली जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th में ऐसे छात्र जो मैथ्स लेकर अध्यापन कर रहे हैं 2024 में और जो 2023 में पासड आउट हैं, उनके लिए एस सी एल टेक्नोलॉजीज के द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह एक जॉब ऑफर प्रोग्राम है। इसमें केवल वे ही छात्र फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि 12वीं में मैथ्स लेकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं या वो पास आउट हो चुके हैं। साथ साथ ऐसे छात्र छात्राएं जो कॉमर्स में बिजनेस मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी योग्यताएं क्या हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लास्ट डेट के बारे में मैं आपको बता दूं। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 16 मार्च आने वाली है, ठीक 2-4 दिन बाद, तो उस तारीख तक आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको क्या फ़ायदे होंगे कोर्स में, आपको क्या मिलेगा, आप कैसे अपने आगे के अध्ययन को एस सी एल कंपनी के साथ साथ काम करते हुए जारी रखेंगे, हम आपको आगे के वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। हम ये भी बताएंगे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपका जो टेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर कैसे होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, कितने नंबर के होंगे और कितना समय उसमें लगेगा। चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से, स्लाइड्सों के माध्यम से। थैंक यू। चलिए छात्रों, अब हम जानते हैं कि एस सी एल टेक क्या है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस एस सी एल टेक बी में, आपको क्या योग्यताएं होंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या आपको पेपर आएंगे, कैसा इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपको साथ साथ ये भी सूचित कर देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपको रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है और आज मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो यह 13 मार्च का समय है, यानी लगभग 3 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है। इसके बाद आपको एग्जाम की डेट, जब भी आपका एग्जाम होगा, वो सब ईमेल आईडी के थ्रू आपके उस अकाउंट में आपको जानकारी मिलेगी, जो जीमेल अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो जानिए एस सी एल टेक क्या है। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि एस सी एल टेक जो है वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि लगभग 54 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है और 48 साल पुरानी कंपनी है। इसकी लगभग 60 इनोवेशन लैब काम कर रही है और तकनीकी शिक्षा के करियर में एस सी एल टेक छात्रों को अहम योगदान प्रदान कर रहा है। आपको ये भी बता दें, चलिए अब बता दें कि जो मध्य प्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग है, एस सी एल टेक ने इनसे टाई अप किया है, एमओयू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग आपके लिए क्या आशाएं रखता है वो समझ लीजिए। एस सी एल टेक ने राज्य में स्कूल शिक्षा उत्थान के लिए सार्वजनिक निर्देश विभाग मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के माध्यम से स्थानीय छात्रों को निर्दिष्ट ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस किया जाएगा ताकि वे बेहतर इंसान बन सकें और जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। डीपीआई सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला एक निकाय है और भविष्य में युवाओं को बेहतर करियर और रोजगार के साथ सशक्त बनाने के लिए उनके रोजगार कौशल को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। टेक बी एस सी एल के अर्ली करियर प्रोग्राम को राज्य भर में अधिक से अधिक छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा और डीपीआई राज्य भर के छात्रों को जुटाने की सुविधा भी प्रदान करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का स्कूल डिपार्टमेंट है, ये आशा करता है सभी छात्रों से कि आप अगर मैथ्स से 12वीं पास कर चुके हैं या कर अभी आपने परीक्षा दी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन करें और एग्जाम दे करके इनके प्रोग्राम में शामिल हो। अब बताते हैं हम आपको आगे इसका सिलेबस और बाकी जानकारी।
टेक एडवांटेज ऑफ करियर विद SCL TechBee। तो SCL TechBee में जब आप प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसको आप जब एग्जाम दे देंगे, इसकी एग्जाम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आप इसके अंदर जाने पर क्या पाएंगे। तो जैसे ही आप अगर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और इसके बाद आपको जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो एश्योर्ड आईटी जॉब, यानी आपको आईटी जॉब भी एश्योर्ड कराएगी SCL टेक, जिसमें आपको सालाना वेतन जो है वो 1.7 से लेकर के 2.2 लाख के बीच हो सकता है। और इसके बाद आपको यदि जॉब में रहते हुए आपको अपनी योग्यताओं में, शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि करनी है तो आपको हायर एजुकेशन की सुविधा भी SCL टेक भी जो है उपलब्ध कराता है। तो आप जॉब में रहते हुए SCL टेक के माध्यम से ठीक हायर एजुकेशन भी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जो इन यूनिवर्सिटीज से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो BITS पिलानी है, MIT यूनिवर्सिटी है, शास्त्री यूनिवर्सिटी है, KL यूनिवर्सिटी है, IIM नागपुर है, IIT गुवाहाटी है और IIT कोट्टायम है। तो इन सारे जो यूनिवर्सिटीज से हैं, आप अपनी आगे की शैक्षणिक योग्यता में भी वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे, क्या फीस होगी, ये आपको SCL टेक भी के आगे के प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ। अब आती है बात योग्यता और चयन का मापदंड क्या होगा, यानी आपको इस जॉब को लेने के लिए SCL टेक के क्या योग्यता और चयन का मापदंड है। तो मैं आपको बता दूं कि इस SCL टेक प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी है वो बस उन छात्रों के लिए जो क्लास 12th में मैथ्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 2024 में, और जो मैथ्स लेकर के पास्ड आउट हो चुके हैं 2023 में। अब बात आती है कि क्या कॉमर्स वालों को भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। यस, कॉमर्स वाले छात्र छात्राएं जो हैं, यदि वो बिजनेस मैथमेटिक्स लेकर 12th में उन्होंने पढ़ाई की है या उन्होंने अभी परीक्षा दी है, वो भी इस प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी प्रकार संकाय के छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि यह कला और कृषि और साथ साथ जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक यह प्रोग्राम जॉब ऑफर नहीं करता, ये केवल मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए जॉब ऑफर करेगा। इसमें मिनिमम 65% होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बच्चों को ये रहता है कि हम 65 ओवरऑल, तो ओवरऑल जो परसेंटेज है आपका वो 65 या 60 होना चाहिए, लेकिन आपके मैथमेटिक्स में 60% जरूर होना चाहिए। यानी सेपरेटली यदि हम मैथमेटिक्स को देखें तो आपको यदि 100 में से 60 मार्क्स तक मिले हैं मैथमेटिक्स में, तो आप इस प्रोग्राम के लिए ठीक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में अब हम चलते हैं आगे। चयन के लिए परीक्षा एवं आवश्यक अंक, तो चयन के लिए कौन सी परीक्षा आपको देनी होगी और उसमें पास होने के लिए कितने आवश्यक अंक चाहिए पड़ेंगे वो अब हम देखते हैं। तो आपको एक कैट यानी करियर एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा और इसमें आपको 55 मिनट्स का ड्यूरेशन, यानी 55 मिनट्स आपको मिलेंगे। 30 मिनट्स आर असाइंड टू अटेम्प्ट 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री, व्हाइल 25 मिनट्स आर असाइन फॉर एसे राइटिंग। ये देखिए, तो आपको 55 मिनट मिलेंगे, आपके सामने ऑनलाइन एक परीक्षा होगी जो आपके संबंधित शहर में भी हो सकती है, जो आपके घर बैठे ऑनलाइन टेक भी करवा सकता है, वो आपकी सूचना सारी ईमेल पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक 55 मिनट का टेस्ट देना है जिसे कैट कहते हैं, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें वर्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे राइटिंग 200 वर्ड्स की आपको आएगी। यानी ऐसे राइटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऐसे राइटिंग है वो एनवायरनमेंट जो है उस पर ऐसे हो सकते हैं, और जो जो वर्तमान में टॉपिक चल रहे हैं उन पर ऐसे हो सकते हैं, जिसको आपको 200 वर्ड्स में
टाइप करना है और उसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। इन 30 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और ऐसे राइटिंग को टाइप करने के लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये सारा टेस्ट जो है वो सारा इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में ही आयोजित होगा, इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। हमारा स्कूल शिक्षा विभाग भी आपको इसमें सहायता करेगा और मार्गदर्शन भी देगा। चलिए अब बात करते हैं हम कि अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अपीयर होना पड़ेगा कैट टेस्ट के लिए। जब आप कैट टेस्ट को करेंगे तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के इस टाइप के प्रश्न उसमें दिए जाएंगे जो 10 की संख्या में होंगे और आपको हर प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगा। यानी आपको बहुत जल्दी सारा कुछ जो है तय करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी। इस संबंध में भी आपको ठीक स्कूल शिक्षा विभाग से अच्छे शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। अब बात आती है कि कैट के बाद क्या होगा। तो सिलेक्शन और चयन की दूसरी प्रक्रिया, यदि आप कैट को पास कर लेते हैं, अब आप सवाल ये आता है कि कैट टेस्ट में जो है वो आपको कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो आपको टोटल जो है वो आपको 55 नंबर जो दिए जाएंगे, 55 मिनट दिए जाएंगे, तो उसमें आपको एवरेज मार्क्स चाहिए होंगे पास करने के लिए। यदि आप कैट कर लेते हैं पास, अब कैट कितने बार देने मिलेगा, तो आपको बता दें कि कैट जो है वो आपको दूसरा चांस भी देने मिल सकता है। मतलब अगर आप एक बार कैट में नहीं निकल पाए हैं परीक्षा में, तो आप उसको दूसरे चांस को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा चांस नहीं मिलता। जैसे ही आप कैट परीक्षा पास कर लेंगे तो आपका वर्सन टेस्ट होगा। ये वर्सन टेस्ट क्या है, तो वर्सन टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि जो वर्सेंट इंग्लिश टेस्ट है ये असिस्ट करता है एबिलिटी आपकी कम्युनिकेशन की स्पोकन इंग्लिश में, कि आप भाषा में कितने दक्ष हैं। तो भाषा की जो 4 योग स्किल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इनमें आपको चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो ऑटोमेशन में चलेगा, जिसमें पार्ट ए बी सी डी ई और एफ पोर्शन आपको दिए जाएंगे। पार्ट ए में आपको रिपीट आएगा, रिपीट मतलब आपको सेंटेंस सामने आएंगे डिस्प्ले पर, आपको उनको रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोनंसिएशन, डिक्शन, पिच, ये सारी चीजें चेक की जाए। बी पार्ट में आपको सेंटेंस बिल्ड करना आएंगे, सेंटेंस को बिल्ड करना है आपको, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में कि आपको सेंटेंस कैसे बिल्ड करना है। कन्वर्सेशन आपका किया जाएगा पार्ट सी में, कन्वर्सेशन ये सब ऑनलाइन होगा। कन्वर्सेशन में आपको दो आपको पार्ट दिए जाएंगे, उनके कन्वर्सेशन को आपको पढ़ना होगा, साथ साथ जहां भी कन्वर्सेशन ब्लैंक होगा उसको आपको पूरा करना होगा भाषा से। सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन भी आपको दिया जाएगा। डिक्टेशन आएगा आपको, और डिक्टेशन जब आपको दिया जाएगा तो इसके साथ साथ आपको पैसेज रिकंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा। ये 90 सेकंड मिलते हैं इसके लिए आपको पैसेज रिकंस्ट्रक्शन के, जिसमें 2 प्रश्न होते हैं। ये सब कैसे होगा, वर्सन टेस्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो जब आप कैट पास कर लेंगे तो हम वर्सन टेस्ट के लिए आपको ठीक मार्गदर्शन देंगे, और साथ साथ पहले से भी आप वर्सन टेस्ट के लिए मार्गदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन आप कैट के बाद वर्सन टेस्ट को जरूर पास करना पड़ेगा आपको। और अब बात आती है कि इस टेस्ट में नंबर कितने होंगे, तो मैं आपको बता दूं वर्सन टेस्ट जो है 30 मिनट का होगा। यदि आप लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, वर्सन टेस्ट 30 मिनट का होगा और इसमें टोटल मार्क्स 90 होंगे, जिसमें से केवल आपको 47 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए हैं। 90 नंबर का यह टेस्ट होगा, जिसमें से केवल आप 47 नंबर यदि ले आएंगे, 47 मार्क्स इफ यू गेट, तो आपको निश्चित रूप से इस टेस्ट को पास करने में सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये जो पार्ट्स मैंने बताए हैं, सेंटेंस को रिपीट करना, सेंटेंस को बिल्ड करना, कन्वर्सेशन करना, सेंटेंस को कंप्लीशन करना, और डिक्टेशन और पासेज रिकंस्ट्रक्शन, ये सब आप कर लेंगे तो आपको 90 में से 47 नंबर मिल जाएंगे। ये भी बता दूं कि SCL कर्मचारियों का वर्सन टेस्ट भी होता है, जो SCL में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका भी वर्सन टेस्ट होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल
चेक किया जाता है, तो उनको पास होने के लिए 57 मार्क्स चाहिए पड़ते हैं, लेकिन हमारे छात्रों को इसे पास करने के लिए केवल 90 में से 47 नंबर यानी 50% अब 50% चाहिए पड़ते हैं। बिल्कुल डरे ना, ये निकल जाएगा, भाषा पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। इसमें होगा क्या, तो इसमें ओवरऑल एबिलिटी, सेंटेंस मास्टरी आपकी देखी जाएगी, वोकैबुलरी देखी जाएगी, फ्लुएंसी चेक की जाएगी और प्रोनंसिएशन ये भी चेक किया जाएगा। वर्सन टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, 30 मिनट इसमें आपको मिलेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स इसके 47 होंगे, ये टोटल ऑनलाइन होगा। ठीक, चलिए अब फिर क्या होगा, फिर अगर आप ये दो फेज निकाल लेते हैं कैट और वर्सन, तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा आपके ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, और इंटरव्यू में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाएगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस में फेस टू फेस इंटरव्यू विद एचआर, ऑनलाइन क्वेश्चंस ऑन बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, करियर एस्पिरेशन, हॉबीज, कैंडिडेट इज टेस्टेड ऑन कम्युनिकेशन स्किल, डोमेन नॉलेज। तो आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी हॉबीज चेक की जाए, आपकी हॉबीज पूछी जाएंगी और फेस टू फेस एक इंटरव्यू आपका होगा और यह ऑनलाइन होगा। क्लियर है, आपको कहीं जाना नहीं है। इंटरव्यू निकाल लेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से ठीक SCL टैग बी में आप जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए आप तैयार हो जाएंगे और फिर आपको SCL एक वर्ष तक प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा और इसके साथ साथ स्टिपेंड अमाउंट 10,000 भी आपको प्रदान करेगा ट्रेनिंग के दौरान। और जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था ना कि SCL 2.2 लाख का एक सैलरी जो है पूरा पर एनम, मतलब साल भर की आपको इस पैकेज पर एक जॉब ऑफर करेगा। वो जॉब ऑफर जॉब क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस जॉब पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ आप वहां अध्ययन भी कर सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज से टाई अप किया हुआ है SCL टेक ने, जिसमें आपकी आधी फीस जो है, लगभग आधी फीस ठीक है SCL टेक भरता है और आधी फीस आप भरेंगे तो आप अपने ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट करेंगे, आप बी टेक एम टेक भी कर पाएंगे, MBA भी कर पाएंगे, जो भी कोर्सेज आपको आगे करना है ठीक SCL में काम करने के साथ साथ। चलिए तो अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, अंतिम तारीख 16 मार्च 2024 है। सभी छात्र छात्रा इस बात पर विशेष ध्यान दें, 16 मार्च 2024 तक आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको अभी बता रहा हूं, डेमो दे रहा हूं, आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तारीख, अब परीक्षा की संभावित तारीख जो है वो ऐसा सूचित किया गया है SCL टैग बी की पैनल के द्वारा कि ये 21 से 30 मार्च होगी, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, पूरी तरह कंप्यूटर पर होगी। यदि आपके शहर में होगी तो आपको कंप्यूटर ऑनलाइन उपलब्ध, कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे और ऑनलाइन परीक्षा किसी केंद्र पर आयोजित की जाएगी, जिसकी आपको प्रॉपर सूचना SCL टैग ईमेल के माध्यम से देंगे। हो सकता है कि यह टेंटेटिव डेट है परीक्षा की, ये बढ़ भी सकती है चुनाव के कारण। परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, आपके शहर या नजदीकी शहर में हो सकती है या घर पर भी आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा का माध्यम केवल इंग्लिश होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ध्यान दीजिए कि जब भी आप वर्सन टेस्ट, मान लीजिए आप कैट निकल जाते हैं और वर्सन टेस्ट में के लिए आप तैयार हो जाते हैं सेकेंड फेज के लिए, तो यह AI द्वारा एक ऑटोमेटिक कनेक्टेड होता है, तो आप इसके लिए ब्लूटूथ का यूज ना करें। ऐसा हमें बताया गया है कि जब वर्सन टेस्ट आप दें तो आप अपने जो भी आपको टेस्ट होगा उसमें ब्लूटूथ का यूज ना करें, एक सिंपल सा जो वायर वाला हेडफोन होता है उसका आप यूज करेंगे तो उससे आपका जो वर्सन टेस्ट है वो क्लियर जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये रही प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सीख लीजिए, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना सीख लीजिए, सिंपल प्रोसेस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर एक लिंक दी गई है, यह लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, साथ साथ आपको ठीक और अन्य माध्यम से भी भेज रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है तो आप SCL टैग बी के
पेज पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये मोबाइल से भी हो सकता है और लैपटॉप से भी हो सकता है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में भी ऐसा ही पेज आपको अपियर होगा। मैं और जूम कर देता हूं, तो आप SCL टैग बी के इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहां आप जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पेज आने लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम भर देना, जैसे मैंने भर दिया मनीष, ठीक है, मैंने अपना पूरा नाम भर दिया मनीष कुमार नेमा। ये आप स्वयं कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ये मैंने अपना मान लीजिए ईमेल एड्रेस लिख दिया। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप ऐसा ना करें कि मेरा ही ईमेल एड्रेस लिख दें, आप स्वयं का यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखें, ठीक। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ऐसा कर सकें। ये मैंने नाम भर दिया, ये मैंने ईमेल, अब मैं अपना यहाँ फोन नंबर मांग रहा है, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। आप वो नंबर डालिए जिस पर आपकी जीमेल अकाउंट जो है एक्टिव हो, क्योंकि सारे पत्राचार आपके जीमेल पर ही आएंगे और आपको सारी सूचनाएं उसी से मिलेंगी। आपको किसी स्कूल टीचर या कहीं स्कूल जाकर ये बात नहीं पता करनी। स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया, ये मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया। सिटी मेरा दमोह है तो मैं दमोह को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये रहा दमोह, वेयर इज इट इज DDD ABCD, ये मैंने दमोह को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कर लीजिए, फिर बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है, जो CBSE के स्टूडेंट है वो सीनियर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE को सिलेक्ट कर लेंगे और हम अपना बोर्ड जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये हमारा जो बोर्ड है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर जो पासिंग ईयर है यानी 2023 में जिसने पास कर लिया ट्वेल्थ वो लिख देंगे, और जो अपीयर हो रहे हैं वो भी अपना पासिंग ईयर 2024 यहाँ लिख देंगे। एंटर क्लास ट्वेल्थ मार्क्स परसेंटेज, और आपको अब यहाँ पर अपनी क्लास ट्वेल्थ के ओवरऑल परसेंटेज जो है वो यहाँ पर भरने हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट SCL टैग बी, आपको कहाँ से पता चला SCL टैग बी के बारे में? तो आप यहाँ पर अगर जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, गूगल से पता चला, जैसे आपको तो हमारे स्कूल कनेक्ट से पता चल रहा है तो आप स्कूल कनेक्ट इसमें ऐसा भर दें, ठीक है। डू यू हैव, ताकि आपको स्कूल में अगर कोई जानकारी आएगी तो आपको हम भी आप तक वह जानकारी पहुंचा सके। डू यू हैव मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, यस, इसको तो यस करना ही पड़ेगा। अगर आप नो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स अनिवार्य है। यदि अब यहां एक मेन बात सुन लीजिए, यदि आप सिलेक्ट हो चुके हैं IIT या GE मेंस में, तो आप यहाँ पर अगर उसमें बैठ रहे हैं तो अपीयर्ड लिख देंगे और नहीं बैठे हैं तो नॉट अपीयर्ड कर देंगे। क्या आप सिलेक्ट हैं किस ईयर में? यदि आप सिलेक्ट हैं IIT GEE में तो आपको बता दें, फिर आपका कैट टेस्ट नहीं होगा। टैग भी SCL टैग भी जिन लोगों का IIT JEE मेंस क्लियर है, अगर वो इसमें प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका कैट का टेस्ट नहीं होगा, उन्हें केवल वर्सन टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा। तो आप बता दीजिए कि कब आपने JEE मेंस किया है। बस ये सब करने के उपरांत आपको केवल और केवल यहाँ पर जो दिख रहा है ये कोड, वो यहाँ पर एंटर कर देना है, और एंटर करते ही आपको ये जो चेक बॉक्स है इसको ऐसे क्लिक करके चेक कर देना है, इस बॉक्स पर चेक साइन बना देना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर कुछ भरा नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करिए और SCL टैग वी प्रोग्राम में आप शामिल होइए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स में पास हो चुके हैं और जो अभी इस साथ बैठ रहे हैं, और इस जॉब ऑफर कोर्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ आप अपना जॉब भी करते रहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जानकारी को अच्छे से सुना समझा। और भी कोई परेशानी यदि आपको होती है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सारी अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी मेरे चैनल पर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम ही स्कूल शिक्षा विभाग आपको सारी मदद करेंगे और आपको मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। किसी भी
क्षमा चाहते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ आर ई होना था, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई एन है। चलिए तो लास्ट में अंत में सभी का धन्यवाद, आप निश्चित रूप से प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करेंगे 16 तारीख के पहले और आप निश्चित रूप से एस सी एल टैग भी प्रोग्राम के भागीदार बनेंगे, आप सहभागिता निभाएंगे, एस सी एल टैग भी आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।